गाइस, दिस इज वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मास्टर कैम्प फॉर बिगनर्स ट्यूटोरियल में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सरफेस टैब के अंदर हमारे जो कमांड्स थे उनके बारे में। सो सरफेस टैब की लास्ट दो वीडियोस में हमने सरफेस के अंदर आने वाली जितनी भी कमांड्स है उनके बारे में बात कर चुके हैं और इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि सरफेस टैब के अंदर मॉडिफाई के अंदर जितनी भी ये कमांड्स आए मॉडिफाई में हमारी, तो मॉडिफाई के अंदर जो हमारी कमांड्स है उनका क्या और किस तरीके से यूज होता है। सो इस वीडियो में आप समझने वाले हैं सरफेस के अंदर मॉडिफाई के अंदर जितनी भी कमांड्स आती है उन कमांड्स का क्या यूज होता है और उसके अंदर के जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स क्या होते हैं उनके बारे में सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारी कमांड है वो है ट्रिम टू कर्व। सो आइए समझते हैं सबसे पहला ट्रिम टू कर्व कमांड का क्या यूज होता है। सपोज की फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये एक सरफेस है और मेरे पास ये कर्व है। अब मुझे क्या करना है, किसी भी सरफेस को किसी कर्व के अलॉन्ग ट्रिम करना है, तो उस पर्पज के लिए हम ट्रिम टू कर्व कमांड का यूज करते हैं। तो जैसे ही हम ट्रिम टू कर्व कमांड पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्लिक करनी रहती है या फिर कहूँ कि सिलेक्ट करनी रहती है कोई भी हमारी एक सरफेस। तो हमने इसके लिए इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया है, देन हमें क्लिक करना है एंड सेलेक्शन। अब यहाँ पर इसके बाद हमें सिलेक्शन करना रहता है कि कौन से कर्व के अलोंग आप ट्रिम करना चाहते हैं। तो हमने ये कर्व सिलेक्ट किया है तो अब देन आपको प्रेस करना है ओके। अब हमें बताना है कि कौन से कर्व या कहूँ कि कौन से सरफेस को आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे इस तरफ के सरफेस को रखना चाहता हूँ या कर्व के इस तरफ के सरफेस को रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कर्व के इस तरफ के सरफेस को रखना चाहता हूँ तो मैंने इस पर मार्क करके ओके पर क्लिक किया। जैसे ही कंप्लीट होता है तो जैसा आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा एक तरफ का जो सरफेस है वो रिमूव हो गया या कहूँ कि ट्रिम हो गया एंड सेकेंड वन अदर एरिया का जो है सरफेस वो हमारा इधर बन गया है। अब यहाँ पे इसके कुछ सेटिंग्स रहती है या कहें कि कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। यहाँ पे एक ये रहता है, ये इसका अर्थ होता है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्प्लिट मॉडल। स्प्लिट मॉडल का अर्थ हो गया कि आपने जब सरफेस को ट्रिम किया है तो जो आपका ट्रिम हो रखा है वो सरफेस तो रहेगा ही, बल्कि सेकेंड वन सरफेस जो है आपने ट्रिम किया दोनों अलग अलग सरफेस हो गए तो दोनों ही आपके पास सरफेसेस अवेलेबल रहेंगे। यदि आप इसे मार्क नहीं करेंगे तो ओनली यही सरफेस रहेगा, देन ओके। सो नेक्स्ट वन जो कमांड है हमारा सरफेस के अंदर वो है हमारा सरफेस ट्रिम टू सरफेस, कि हमें कोई भी सरफेस को ट्रिम करना है बाय द हेल्प ऑफ अदर सरफेस और बाय द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑफ अदर सरफेस। तो सबसे पहले हम कमांड को सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रिम टू सरफेस। इसके लिए यदि हमें सरफेस की मदद से ही सरफेस को ट्रिम करना है तो सबसे पहले हमें वो सेलेक्ट करना है सरफेस जिस सरफेस को आप ट्रिम करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस सरफेस को ट्रिम करना चाहता हूँ, देन एंड सेलेक्शन। देन हमें सेकेंड सरफेस क्लिक करना है कि जिसके अलोंग या जिसके उपरांत में आप सरफेस को ट्रिम करना चाहते हो, तो इस देन आपको क्लिक करना है एंड सेलेक्शन। अब हमें सेलेक्शन करना वो एरिया जो आप रखना चाहते हैं सरफेसेस में से। फॉर एग्जांपल कि मैं अब इस सरफेस में ये वाला सरफेस रखना चाहता हूँ दोनों साइड में से एंड, और इस सरफेस है तो इस सरफेस में से कौन सा एरिया रखना है ये। तो जैसा आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट किया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी जो सरफेस है वो ट्रिम हो चुकी है, ओनली ये वाला एरिया बचा है। आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस के अंदर ट्रिम टू सरफेस एंड ट्रिम टू कर्व किस तरीके से हम यूज करते हैं। सरफेस के अंदर एक और कमांड जिसका अर्थ है अनट्रिम। सो आइए समझते हैं कि हमारा जो अनट्रिम कमांड है उसका क्या और किस तरीके से यूज होता है। बेसिकली अनट्रिम कमांड का हम यूज करते हैं किसी भी प्रकार के ट्रिम किए हुए पार्ट को वापस से लाने के लिए। तो जैसे ही हम अनट्रिम पर क्लिक करेंगे तो हमें क्लिक करना सरफेस पे जो आपने अभी ट्रिम की है। फॉर एग्जांपल मैंने इस सरफेस को ट्रिम किया तो जैसे ही मैं इस कमांड पर क्लिक करता हूँ तो मेरी ये सरफेस वापस आ गई। मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो मेरी ट्रिम की हुई सरफेस जो वापस आ गई।
आई विश कि आपको समझ में आ गया कि किसी भी सरफेस को अनट्रिम करने से क्या होता है। सो आइए सरफेस टैब के अंदर जो नेक्स्ट वन कमांड है हमारा वो है फिल होल्स। सो आइए समझते हैं फिल होल अर्थात फिल होल कमांड का किस तरीके से हम यूज करते हैं। फिल होल का बेसिकली हम यूज करते हैं कि सरफेस के अंदर हमने कोई भी सरफेस क्रिएट की हुई है उसमें कहीं ना कहीं हमारा होल है। सर होल कौन सा होना चाहिए? सर्कुलर होल होना चाहिए। तो उन होल्स को वापस से फिल करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम फिल होल कमांड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये एक सरफेस है जहाँ पर तीन अलग अलग होल्स ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड हैं, तो अब हमें इन होल्स को यदि फिल करना है तो उस पर्पज़ के लिए हम फिल होल कमांड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको फिल होल कमांड का सिलेक्ट करना है, फिर कौन सा होल है आपका, ये होल। सबसे पहले आपको सरफेस सिलेक्ट करनी है, ये होल, फिर से सरफेस सिलेक्ट, ये होल है हमारा तो ये होल, सरफेस सिलेक्ट, ये होल। तो जैसे तरीके से आप यहाँ पे इस सिंपल से स्टेप्स या कहूँ सिंपल से प्रोसेस से आप किसी भी प्रकार की सरफेस के अंदर जो भी आपके होल्स हैं उन्हें वापस से फिल कर सकते हैं। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया है कि सरफेस के अंदर फिल होल कमांड का क्या यूज़ होता है। सो सरफेस टैब में अगला जो हमारा कमांड है वो हमारा एक्सटेंड। सो आइए समझते हैं कि एक्सटेंड कमांड का सरफेस के अंदर क्या और किस तरीके से या किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सटेंड कमांड का बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई भी सरफेस है और इस सरफेस को किसी भी एक तरफ उस सरफेस के डायमेंशंस को या उस सरफेस की साइज़ को एक्सटेंड करना है सो उस पर्पज़ के लिए हम एक्सटेंड कमांड का यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सटेंड कमांड पर क्लिक करना है और सरफेस सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी सरफेस को एक्सटेंड करना चाहते हो। देन जिस तरफ आप एक्सटेंड करना चाहते हो उस तरफ का एरिया सिलेक्शन करना। फॉर एग्जांपल मुझे इसको इस कर्व की तरफ से एक्सटेंड करना है तो मैं जैसे इस पर क्लिक किया तो जैसा आप देख पा रही है हमारा 1 mm एक्सटेंड हुआ। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने mm इस सरफेस को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना डिस्टेंस है और प्लेन की मदद से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से प्लेन के अलोंग कितना mm आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। सो सबसे ज़्यादा हमें डिस्टेंस का यूज़ होता है सो डिस्टेंस के अलोंग। अब जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो किस तरीके से करना चाहते हैं, लीनियरली और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का अर्थ हो गया कि कोई भी हमारी सरफेस कर्व में है तो उस समय हमें नॉन लीनियर का अर्थ है कि जिस तरह से हमारा कर्व है उसी तरीके से सरफेस जो है आगे की तरफ एक्सटेंड होगी। सिमिलरली यदि मुझे किसी और डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करना है तो सेलेक्ट करना सरफेस इस तरफ, इधर से एक्सटेंड करना है इस तरफ, इधर एक्सटेंड करना है इस तरफ। तो आपको जितना एक्सटेंड करना है यहाँ से डायमेंशन देके आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस के अंदर एक्सटेंड कमांड का भी क्या यूज़ होता है।